क्या पूछना चाह रहे थे बेटा, प्रश्न करें। पहले तो मैं अपने लिए एक लाइन दो लाइन में पूछ रहा हूँ, बाकी मेरी बहन के लिए ही पूछना था मेरे को। मेरे लिए तो केवल मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाई मेरा साधना में मन क्यों नहीं लगता, भटक क्यों जाता है, और इससे मुझे कोई फल मिलेगा या नहीं। मेरी पार्ट करता हूँ उससे, और अच्छा, फ्यूचर फ्यूचर शॉर्ट एंड स्वीट में भाई बता दें, जो आपको उचित लगे उतना बता दें। बाकी मेरी सिस्टर के लिए पूछना मुझे। आपका मन एकाग्र चित्त नहीं है, इंद्रियां वशीभूत नहीं है बेटे आपके। इंद्रियां, दशों इंद्रियां जो होती हैं, उनको उनमें अंकुश लगाया जाता है, और जब तक उनमें अंकुश नहीं लगेगा तो ये मन को एकाग्र चित्त नहीं होने देती, विचलित होती है, भटकती है। क्योंकि आप अपने जीवन में सभी को लेकर के चलना चाहते हैं, सभी से प्रेम संबंध स्थापित करके और सभी को सत्मार्ग का रास्ता बताते हुए हैं, और उनके सभी के साथ जीवन यापन करना चाहते हैं, परिवार, समाज, देश, ये सभी के लिए आप भले के लिए सोचते हैं, अपने लिए कम सोचते हैं, लेकिन अपने लिए जो सोच रहे हैं वो सक्सेस नहीं हो पा रहे, उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। हाँ जी, जीवन में सब कुछ आपने प्राप्त किया अपने बलबूते पर, लेकिन आज कुछ भी हाँ साथ नहीं है, ये भी महसूस कर रहे हैं आप, हाँ है ना? मन, आपको अपने जीवन में आपका मनचाहा सुख आपको प्राप्त नहीं हो पाया। आज भी हाँ जी, हाँ जी, कोशिश में आज भी लगे हैं आप, लेकिन आप हाँ जितना जी, मेहनत करते हैं, जितना संघर्ष करते हैं, उसके अनुसार शुभ फल की प्राप्ति आपको नहीं होती, आलोचना का शिकार हो जाते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, जितना यही अच्छा बात है, करने की कोशिश करते हैं, वो लोग आप पे ब्लेम लगा देते हैं। बिल्कुल ऐसा है। हाँ आज तक आपने जिसको भी चाहा उसने आपको नहीं चाहा, जी, हाँ जी, हाँ जी, है ना? असंतुष्ट जीवन जी रहे हैं आप, हाँ जी, नहीं सत्य है या नहीं बेटे? हाँ है, बिल्कुल है। और ये आलोचना का शिकार बनते हैं, फिर क्रोध आता है, फिर शत्रु भी आपके हैवी हो रहे हैं आपके ऊपर। ठीक हाँ जी, है, अब अपने बहन के बारे में जो पूछना चाह रहे थे वो प्रश्न करिए। किसके किसके बारे में? हाँ बारे में पूछना चाह रहे थे? और जी, हाँ जी, हाँ जी, माता जी, मेरे को इतना सा तो होता है, तो मेरे साधना में सफलता मिलेगी क्या, जो मैं पाठ करता हूँ और ऐसे जप-तप साधना करता में हूँ? सफलता आपको नहीं मिल पा रही है, आपकी इंद्रियां वशीभूत नहीं है। इंद्रियों को वशीभूत करने के लिए गुरु शरण ली जाती है, इष्ट देवी देवताओं के शरण ली जाती है। जिसको प्राप्त करना चाहते हो उसको प्राप्त करने के अच्छा, लिए मार्ग भी तो आप साफ कर लें, रास्ता भी तो साफ कर लें। आपके रास्ते फिर में भक्ति के मार्ग के रास्ते पे कांटे बिछा रखे हैं आपने, और हाँ, बिल्कुल, वो कांटे जो है वो कांटे हट नहीं रहे हो, तो ले दे के जब आप भक्ति मार्ग में बैठते हैं तो आपका मन इधर परिवार समाज इधर विचलित हो जाता है, ये इनके ख्याल आने लगते हैं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, मेरी क्या हाँ गलती जी, थी। तो तुम माला जाप बिल्कुल, करते हो इधर, और आपका हाँ जो है मंत्र, तो जीप मंत्र भी बोल रहे हो और माला भी घूमती है जी, आपसे, और मन आपका इधर घूमने लगता है, मैं गलत नहीं था, मेरे साथ ऐसा क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, यही यही बात है। अच्छा। तो